हाय शॉक्स, मैं हूं विदिता और ये है मेरा भाई निपुण और हम हैं द फाउंडर्स ऑफ जुवेल बॉक्स। 2021 में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बड़ी सी रिंग देकर प्रपोज किया था। रिंग तो मुझे फैबुलस लगी, लेकिन प्रपोजल के बाद मैंने उससे कहा कि इतनी बड़ी डायमंड खरीदने की क्या जरूरत थी। हाँ तो मैं वैसे भी बोलने वाली थी। और तब उसने मुझे बताया कि ये एक लैब ग्रोन डायमंड है जो नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन में 80% कम कॉस्ट करता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये असली डायमंड तो नहीं हो सकता, लेकिन गेस व्हाट, ये भी एक असली डायमंड है। लैब ग्रोन डायमंड्स फिजिकली, केमिकली और ऑप्टिकली हूबहू नेचुरल डायमंड्स जैसे होते हैं। उनका शाइन, ड्यूरेबिलिटी और हार्डनेस भी नेचुरल डायमंड जितनी ही होती है। और ये डायमंड्स इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल लैब्स जैसे IGI और GIA द्वारा सर्टिफाइड भी होते हैं। जब हमने देखा कि लैब ग्रोन डायमंड से बनी हुई ज्वेलरी सिर्फ सस्टेनेबल ही नहीं, एक्सेसिबल भी है, तो हमें इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और हमने शुरू किया ज्वेल बॉक्स। ज्वेल बॉक्स एक कॉन्शियस लग्जरी ब्रांड है जो बनाता है लैब ग्रोन डायमंड से फाइन ज्वेलरी फॉर एवरीडे एंड ओकेजन वेयर। हम अपने वेबसाइट के थ्रू ढेर सारे डिजाइन ऑफर करते हैं और अपने एक्सपीरियंशियल स्टोर्स के माध्यम से लोगों को वो एक्सपीरियंस भी कराते हैं। ज्वेलरी में ट्रस्ट का महत्व हम जानते हैं और इसलिए हमने ज्वेल बॉक्स को बनाया है एक ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट ब्रांड। हम अपनी हर ज्वेलरी सर्टिफाई कराते हैं और उसे हॉलमार्क भी कराते हैं। हम अपने कस्टमर्स को 80% बायबैक और 100% एक्सचेंज का फायदा भी देते हैं। हमारा विजन ये है कि हम इंडियाज़ मोस्ट लव्ड एंड ट्रस्टेड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड बने, और इसलिए हम यहाँ आए हैं टू आस्क फॉर 1 crore रुपीज इन एक्सचेंज फॉर 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, अब हीरा सिर्फ सदा के लिए नहीं, सभी के लिए है। वेलकम टू शार्क टैंक विदिता एंड निपुण। थैंक यू। आप लोग अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप लोग कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है? शार्क्स, मैं 30 साल की हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड इन कलकत्ता, और अब मैं सूरत रहती हूँ, डायमंड सिटी में। मैंने अपनी MBA इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से की है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। मैं 34 ईयर्स का हूँ, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप लोगों ने डायमंड बिजनेस कैसे एंटर किया? जब अमन ने मुझे ये गिफ्ट किया था तो मैं इस बात अमन मेरे हस्बैंड अमन एक और कनेक्शन जब मेरे हस्बैंड अमन ने मुझे ये गिफ्ट किया था तो वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि मैं एक डायमंड की जगह एक इको फ्रेंडली डायमंड पहन रही हूँ। उसके बाद निपुण और मैं डिस्कस कर रहे थे इस पूरी चीज के बारे में, तो हमने कई ज्वेलर्स के आर्टिकल्स पढ़े जिसमें लिखा था कि इंडिया में 94-95% लोग डायमंड्स ओन नहीं करते। एक्सपेंसिव तो है और प्रैक्टिकल भी नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बहुत वैल्यू सीक करते हैं चीजों में। ऑल इन ऑल हमें बस लगा कि अगर हम इसमें कुछ स्टार्ट करें तो इट विल बी हेडेड इन अ गुड डायरेक्शन। सो आई जस्ट गॉट, मेरा अभी 40th बर्थडे था। हिस्टोरिकली मैं रियल डायमंड्स लेती थी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मेरा पहला लैब ग्रोन डायमंड अभी गिफ्ट किया। आई एम वेरी इंटरेस्टेड। ये भी सुना है US में लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ एक काफी बड़ा मूवमेंट हो रहा है। इंडिया में ये नया नया है, मैंने कोई दुकान नहीं सुनी जो लैब ग्रोन डायमंड्स दे रही है, बिकॉज मैं खुद ढूंढ रही थी, मेरी मम्मी खरीदना चाहती थी। कहाँ अवेलेबल है? यहाँ। एब्सोल्युटली। तो लैब डायमंड्स इंडिया में 2008 से है। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कोई भी बड़े रिटेलर सामने आके बताई नहीं। मेजरली इसके दो रीजन है, एक कैनिबलाइजेशन ऑफ देयर सेल्स, वो हाई वैल्यू नेचुरल डायमंड की जगह लो वैल्यू लैब ग्रोन डायमंड सेल करके उनका सेल्स कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर एक ही काउंटर में नेचुरल डायमंड रहे और लैब ग्रोन डायमंड रहे तो जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनको डाउट होगा कि उन्होंने क्या लिया है। और कोई भी ज्वेलर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कंज्यूमर्स का लूज नहीं करने का रिस्क ले सकता। Why are they called diamonds if they are not diamonds? लैब डायमंड्स भी रियल डायमंड्स ही हैं। कहाँ बनते हैं? लैब में बनते हैं। लैब्स में बनते हैं। इसका जो प्रोसेस है कि एक नेचुरल डायमंड का पतला सा सीड बेसिक रॉ मटेरियल, अब जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसको रेप्लीकेट किया जाता है अंडर लैब कंडीशंस। तो वो सीड को रिएक्टर में डाला जाता है, रिएक्टर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक में चलाया जाता है, उसमें कार्बन गैस, मीथेन गैस और का कॉम्बिनेशन डाला जाता है, प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो पत्थर बनने का फॉर्मेशन का प्रोसेस है जो 10,000 साल धरती के नीचे लगते हैं उसको लैब कंडीशंस में रेप्लीकेट करके पत्थर बन गया। वो जो कट आता है वो भी लैब में ही होता है? नहीं, तो वो मैनुअल प्रोसेस है कटिंग एंड पॉलिशिंग का, वो सूरत में जो होता है। हाँ, सूरत में जमा। कितना टाइम लगता है इसे बनने में? एक कैरेट का पत्थर बनने में अराउंड 21 से 24 दिन। और जर्कोनियम जिसको फेक डायमंड बोलते हैं उससे ये बहुत अलग है।
वो प्लास्टिक है या वो प्लास्टिक का बनता है? कैसे पता चलेगा कौन सा वेराइटी जर्कोनियम है, कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा लैब ग्रोन है? तो हम एक्चुअली 3 स्टोन्स लाए हैं ऑफ आइडेंटिकल साइज. तो हमारे पास क्यूबिक जर्कोनिया है, लैब ग्रोन डायमंड है और नेचुरल डायमंड है. तो ये एक पेन टेस्टर होता है जो एक्चुअली स्टोन के थर्मल कंडक्टिविटी को चेक करता है. हीट भेजता है स्टोन में और फिर स्टोन कैसे उस पर रिएक्ट करता है उसके बेसिस पे बताता है कि ये डायमंड है कि नहीं. तो अब हम इस स्टोन पर पेन टेस्टर चेक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं आया, यानी कि ये क्यूबिक जर्कोनिया है. ये हमारा दूसरा डायमंड और इसमें आप देख सकते हैं एक ग्रीन लाइट जल रहा है और यहाँ पे लिखा है डायमंड, यानी इसका थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड्स जितना ही है बेसिकली, कि ये रियल डायमंड है. ये हमारा तीसरा स्टोन जो भी डायमंड ही टेस्ट कर रहा है. तो लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड दोनों ही पेन टेस्टर के लिए रियल डायमंड्स हैं. ये बहुत बड़ी न्यू नॉलेज है मेरे लिए और जो लोग आपको देखेंगे उनके लिए भी, कि मतलब टेक्निकली इतना कठिन है डिफरेंशिएट करना एक लैब ग्रोन डायमंड और एक नॉर्मल डायमंड. आपका लोगो एंड आपकी कलर्स इतने सिमिलर टू ब्लू स्टोन क्यों हैं? आप ऐसे एक्सप्रेशन बनाया कि आपने बहुत बार ये सुन लिया है. आई अग्री कि इसमें ब्लू स्टोन का रिजेम्बलेंस है पर इंटेंडेड नहीं था. और अब जो आपने बोल दिया है तो मैं इसे पॉजिटिवली देखूंगी क्योंकि आई थिंक इट बिल्ड्स फैमिलियरिटी. Can you tell us the price point ये जो आपने एक कैरेट? So natural diamond edge color around 3.5 to 4 lakh rupees का आएगा. Lab diamond with us is at about 55,000 rupees. Wow. इसमें इतना variation क्यों है? Because this is 1/6. Natural diamonds controlled है from supply side. दो तीन कंपनीज ग्लोबली है जो पूरा कंट्रोल करती है. और इसमें क्या होता है? इसमें कोई कंट्रोल नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत लोग लगा सकते हैं. ये डेफिनेटली बड़ी एक्साइटिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बट इसका पिकअप नहीं हो पाया कस्टमर साइड से. आई हैव हर्ड कि एंगेजमेंट रिंग 70% यूएस में अब लैब ग्रोन होने लगी है. नहीं, वो यूएस का, मैं इंडिया में नहीं. ये करेक्ट है? एक सेकंड, ये करेक्ट नंबर है राधिका जो बोल रही है? नहीं, 36%. बट 36% इज ह्यूज, इट्स मैसिव मैन, इट्स मैसिव. पर लोगों में ये थोड़ा सा क्या कंसर्न रहता है कि मुझे तो ओरिजिनल डायमंड चाहिए वर्सेस लैब ग्रोन. जब हम लोग भी स्टार्ट कर रहे थे ना, ये रिसर्च हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. यूएस में मार्केट उससे 4 साल पहले 1% था और 2 ईयर्स पहले जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो 23% था. तो हमने ये देखा था कि 4 साल में 1 से 23% गया. पर हम हमेशा ये जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है इंडिया उसको काफी हद तक अडॉप्ट कर लेते हैं. तो हमें ये पता था इंडिया में ट्रेंड आएगा. ये जो डायमंड्स है, बेस डायमंड है, इसे सूरत से प्रोक्योर करते हो, फिर आप क्या करते हो मैन्युफैक्चर ज्वेलरी बनाने के लिए? थोड़ा सा बता दो सप्लाई चेन. हमारा पहला प्रोक्योरमेंट है जो हमारे इंपैनल्ड वेंडर्स है जो जनरली ग्रोवर्स ऑफ दीज डायमंड्स है. तो जो डिजाइंस है वो पूरा हमारा इनहाउस है. डिजाइंस जैसे ऐसे बनते हैं, हमारा सॉर्टिंग टीम उस बेसिस पे डायमंड्स इशू करते हैं टू इंपैनल्ड वेंडर्स जो प्रोडक्शन करते हैं ज्वेलरी का. ज्वेलरी बन के आने के बाद हमारा QC टीम उसे चेक करता है फॉर एवरीथिंग. अगर वो QC पास हो जाता है तब वो हम लोग सर्टिफिकेशन और हॉलमार्किंग के लिए भेजते हैं. यू आर अ स्टॉक एंड सेल मॉडल. आप स्टॉक करते हैं डिजाइन अपने बना के और उनको ज्वेलरी बेचते हैं. आप दोनों के रोल्स कैसे डिवाइडेड है? तो निपुण देख रहा है फाइनेंस ऑपरेशन स्ट्रेटजी एंड प्रोक्योरमेंट और मैं देख रही हूँ डिजाइनिंग मार्केटिंग डिजिटल बिजनेस एंड प्रोक्योरमेंट. हु इज द CEO? CEO निपुण है. मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर. आप सैंपल्स का. दिस इज स्टनिंग. This is very pretty. Wow. Sales पे आते हैं. The last month हमने 97 lakhs किया. Wow. और इस financial year में अभी तक हमने 5.2 crores किए हैं. Last financial year हमने 3.8 crores किया था. पूरे financial year में कितना करेंगे इस financial year? हम लोग expect कर रहे हैं 12 crores. And profits भी बता दीजिए. अभी हम लोग EBITDA 15% पे हैं. और अभी आपकी एक शॉप है जिसके थ्रू आप सेल करते हैं? अभी हमारा 2 शॉप. आप डायमंड नहीं बनाते, आप रिटेल शॉप्स हो? वी रिटेल ज्वेलरी और हमारा ओमनी चैनल मॉडल है. रिटेल लैब ग्रोन डायमंड्स ओनली? जी. और आपका ऑनलाइन कितना परसेंटेज है बिजनेस का? 10% बाय वॉल्यूम बट 3% बाय वैल्यू. अभी इंडिया में ऐसी कितनी और शॉप्स? अगर मैं ब्रांडेड फॉर्मेट्स में जो मल्टीपल स्टोर्स पे आ गए हैं उनका बात करूं
तो 5 या 6। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो मार्केट है ना, ये वो बहुत कमोडिटाइज है, ये उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। अगर कमोडिटाइज हुआ भी तो हमारा ब्रांड इतना स्ट्रांग होगा, हमारे डिजाइन इतने स्ट्रांग होंगे कि वो लेंगे। क्या डिफरेंस है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू आर वन मोर ज्वेलर। पहला डिफरेंशिएशन फैक्टर ऑफ कोर्स डिजाइंस एंड क्राफ्ट्समैनशिप है। हम बहुत ही प्राइड लेते हैं ऑन द क्वालिटी एंड फिनिशिंग ऑफ द गुड्स दैट वी मेक। बट दैट यू डोंट मेक योरसेल्फ एनीवेयर। बट इट इज कंट्रोल्ड बाय अस। उसके बाद हम अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एज अ ब्रांड विद अ वेरी हाई इंटेग्रिटी। तो हम कस्टमर्स को सर्टिफिकेशन और कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसीज के अलावा एक कंप्लीट प्राइस ब्रेकअप भी दे रहे हैं, जो आजकल बहुत ज्वेलर्स इंडिया में नहीं कर रहे हैं। इससे एटलीस्ट उन्हें पता रहेगा बैक ऑफ द हेड कि वो क्या चीज के लिए पे कर रहे हैं। मैं आपको ऑफर देता हूं 1 crore 5% प्लस रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल्स टिल आई गेट माय 1 crore बैक। व्हाट इज द पेबैक ऑफ स्टोर? 1.5 to 2 years में स्टोर पूरा ब्रेक इवन हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी स्टोर 2.5 months में स्टार्ट हो जाएगा। कितना पैसा लगाते हैं स्टोर बनाने में? सिंस पूरा कंपनी ओन्ड इन्वेंट्री है तो 1.25 crores और 25 लाख रुपया इंटीरियर्स में। आपके पास स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है वैल्यू का? हमारा एक तीसरा स्टोर अभी स्टार्ट होने वाला है 15-20 days में, तो उसका भी इन्वेंट्री बन रहा है। तो आज के दिन में हमारा इन्वेंट्री 4.4 करोड़ का है। एंड अभी तक कोई राउंड नहीं रेज किया है? हमें एक टर्म शीट मिल चुका है जिसका ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो गया है। उसको राउंड नहीं कहते? अभी तक बैंक में हिट नहीं किया है। अभी तक जो भी मनी है हमारा खुद का है, बट टर्म शीट 45 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन में। प्री मनी 45 करोड़ एंड अमाउंट 10% 4.5 crores 9.09। चलो मैं भी आपको ऑफर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लैब क्रिएटेड डायमंड का मूवमेंट जो यूएस में आया, मुझे लगता है इंडिया में आएगा। और अगर आप जल्दी कर सकते हैं, कंज्यूमर ट्रस्ट जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि अमन ने आपको ऑफर दिया है, अगर उसे ठीक लगे तो मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। ठीक है, अभी आपके पास जो ऑफर है, हम दोनों मिलकर आ रहे हैं 1 crore 5% 20 करोड़ वैल्यूएशन रॉयल्टी एट 2% अंटिल वी गेट आवर 1 करोड़ बैक। विदिता, आपके डिजाइंस वो बहुत अच्छे हैं, बट ऑफ कोर्स आपका ब्रांडिंग, आई थिंक द नेम इज थोड़ा सा नॉन एस्पिरेशनल, एंड लोगो एंड कलर्स इट्स टू सिमिलर टू समबडी इन द सेम कैटेगरी, बट आई थिंक आप फिनोमिनल फाउंडर्स हैं। आपने जो अभी टर्म शीट साइन किया है, ड्यू डिलिजेंस हो गया है, तो आई एम अज्यूमिंग आप शार्क्स को एज अ पार्ट ऑफ दैट राउंड बुलाना चाहते हो। जी, एंड आई वुड बी हैप्पी टू जॉइन दैट राउंड एट 1 crore 2%। करेंटली जो आपने डील मांगी है 1 crore for 2%, वो मैं ऑफर कर रहा हूँ, वो मैं विनीता के साथ भी करने के लिए वो तैयार हूँ। हम मिलके 2.5% करेंगे। करेक्ट, जो आपका करंट राउंड है उसी पे हम एक्सटेंड करेंगे 2.5% 1 crore के निवेश के साथ। प्लस आपके पास लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए यंगेस्ट बिलियनेयर ऑफ इंडिया एज अ शार्क। आई वांट टू जॉइन रितेश एंड विनीता इन देयर ऑफर। मेरा इसमें कोर बिलीफ है कि डिफरेंशिएशंस विल ऑल डाई, द ओनली थिंग दैट विल रिमेन इज एग्जीक्यूशन। स्ट्रॉन्ग रिटेल ऑपरेशंस चलाना विद अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन इज ऑल दैट विल रिमेन। बाकी हर दुकान पे मिलेगा, एंड उसका काम टैलेंट से ही होगा जिस पे आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। हम लोग ऑफर रिवाइज करना चाहते हैं अमन। हम आपको एक फाइनल ऑफर देते हैं, आप यस और नो बोल देना, अगर आप नहीं बोलोगे तो हम बोल देंगे। आप 2% के लिए आए थे, हम आपको देते हैं 1 crore 2.25%। आप जस्ट यस और नो बोल दो, अगर आप नो बोलते हो देन वी आर ऑफर। अगर हम सारे शॉप्स के साथ डील कर ले तो 4% कर देते हैं सेम वैल्यूएशन पे, क्योंकि आप लोग सबका स्किन इन द गेम रहेगा। और अब हम सारे या तो साथ आएंगे या नहीं आएंगे। 2 crore for 6% 5 of us।
Let's do it at 5%. No, 6%. हमारे existing जो commitments हैं उसके बहुत down हो जाएंगे। उनको आप बताओगे five sharks आ रहे हैं, it's a different deal. You wanted us together, you have to pay for it. 5.5 में done करते हैं। आधे percent के लिए मत negotiate। राधिका please, half percent हमारे लिए important रहेगा going forward company को बड़ा करने के लिए। यार हर कोई आके five sharks मांगता है, five sharks ही अपनी value भी होनी चाहिए। जिससे yes or no? Sharks, let's do it. Okay. All right. We have a deal. I think you've made the right decision because you should know it's just beginning. You will build a landmark business.